दोस्तों ये बटन दबा के वीडियो को लाइक कर दें और ये लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आप देख सकें हमारी वीडियो सबसे पहले। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ऑनलाइन देखो यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि 10वीं 12वीं के यूपी बोर्ड कब शुरू होंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें। और दोस्तों अगर आपका कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। यूपी बोर्ड 10वीं परीक्षा 2020 में यूपी बोर्ड 12वीं परीक्षा 2020 यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडियम शिक्षा 2020 में इस बार 56 लाख से ज़्यादा युवा बैठेंगे। यूपी स्कूल यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं और यूपी प्रदेश में 7786 केंद्र पर होंगे। इनमें से 451 राज होंगे, 3401 सहयोग प्रमाण पत्र स्कूल होंगे, 3934 विद्यालय होंगे। स्कूल और यूपी बोर्ड ने प्रभात केंद्र की आंतरिक सूची तय समय में जारी कर दी है। 12 नवंबर को जारी प्रदेश सूची की तुलना कर दी। अंतर सूची में सिर्फ 15 केंद्र बड़े हैं। यूपी बोर्ड हाई स्कूल परीक्षा 2020 में 30,25,442 स्टूडेंट बैठेंगे। इनमें से बालिका 16,63,072 हैं और बालिका 13,62,370 हैं। वहीं यूपी बोर्ड हाई स्कूल मीडियम परीक्षा में 25,86,287 स्टूडेंट हैं बैठेंगे। इनमें से बालिका 14,65,801 और बालिका 11,20,403 है। इस बार आंसर शीट पर लाइन का रंग लगाया जाएगा। इस वर्ष हुए बोर्ड परीक्षा और सभी कॉपियों का क्रम संख्या डालने की संशोधित की गई है। बोर्ड 10वीं और 12वीं यूपी बोर्ड रिजल्ट हाई स्कूल की परीक्षा 12 और इंटरमीडिएट की परीक्षा से 25 मार्च तक शुरू 10 दिनों में कॉपियों का मूल्य होगा। इसके बाद कॉपी चेक करने वाले अधिकारियों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इस बार प्रदेशों पर आंतरिक अंग्रेजी व हिंदी में दो भाषाएं जारी होंगी। हाई स्कूल इंटरमीडिएट की कॉपियों यानी राज्य में लाइन का रंग अलग अलग होगा। दोस्तों इस तरीके से आपकी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की कॉपी चेक होंगी। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और अपनी कोई राय हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आप देख सकें हमारी वीडियो सबसे पहले। तो दोस्तों वीडियो लाइक शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना ताकि आप आगे आने वाली वीडियो देख सकें सबसे पहले। दोस्तों आपने अपना कीमती समय दिया इसके लिए।